अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हमने नई मुंबई का जायजा लिया। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, न्यू मुंबई के कोपरखेरना के डी मार्ट में कैसे लोग सोशल डिस्टेंसर रखकर सामान खरीद रहे हैं। यहां लोगों को अगले दिन का कूपन दिया जा रहा है, इस कूपन पर टाइम लिखा हुआ है और उसी टाइम पर लोगों को बुलाया जा रहा है ताकि भीड़ भाड़ ना हो। वहीं दूसरी तरफ वाशी एपीएमसी मार्केट में भी नियमों का पालन हो रहा है। हर आने वाले को सैनिटाइजर मशीन से गुजर कर जाने दिया जा रहा है। व्यापार और खरीदार भी सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। माल ज्यादा है, ग्राहक कम है, यो हिसाब से बाजार कम है। तो जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफी गर्दी हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पे डिस्टेंस कर पा रही है? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे मायने रखा गया है हमारी एपीएमसी भाजी मार्केट में। जिसके पास कार्ड है सिर्फ उसी को एंट्री है। सोशल डिस्टेंसिंग मायने रख के एकदम हाथ वाथ धो के सैनिटाइजर से तब अंदर एंट्री है। बराबर है, प्रॉपर भाजी के दाम है, जाते दाम देते नहीं हमारे एपीएमसी। हाँ तो रहे बराबर, जो कार्ड जिसके पास है एपीएमसी का सिर्फ उसी को एंट्री है। ये जरूरी चीज है कार्ड देना भी उनका, कि किसी को कोरोना वायरस ना हो। बचने के लिए हर किसी को कार्ड दिया गया है एपीएमसी तरफ से कि आप चेकअप करा के अपना अंदर आ जाओ, एक दूसरे किसी को तकलीफ ना हो चीज से। मगर वहीं इसी मार्केट के सामने ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां भाजी और फल बेचने वाले और खरीदने वाले को ना तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर है और ना ही पुलिस और प्रशासन के आदेश का। जिस तरह से ये मार्केट लगी है, यहाँ ना तो कोई पुलिस वाले है और ना ही नई मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी नजर आए। यहाँ रास्ते पर ऑटो रिक्शा चलती नजर आई, जबकि सरकारी आदेश में कहा गया है कि 3 मई से पहले ना तो ट्रेन चलेगी, ना ही बस, ओला, टैक्सी, ऑटो रिक्शा। मगर नई मुंबई में सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रिक्शा चलाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, कल यानी 22 अप्रैल तक नई मुंबई में कोरोना वायरस के 85 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 26 लोगों को क्वारंटाइन करके डिस्चार्ज किया गया और 4 लोगों की मौत हो गई है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। ऐसे में ये भाजी मार्केट का नजारा दिखता है कि अगर कोई एक भी कोरोना पीड़ित इस मार्केट में आता है तो कितने लोगों को संक्रमित करेगा। यही हाल यहाँ चलने वाले रिक्शा वालों का भी है, जो अपनी रिक्शा में लोगों को ला रहे हैं और ले जा रहे हैं। क्या नई मुंबई महानगर पालिका इन बातों पर ध्यान देगी और नई मुंबई के इन इलाकों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन होगा? तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।